हाय एवरीवन, दिस इज दीप्ति हियर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल ड्रीम्स। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी एमिनेंट पर्सनालिटी के बारे में बोलने जा रहा हूं जिनका कंट्रीब्यूशन ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत यूजफुल है। और उस एमिनेंट पर्सनालिटी का नाम है महामहापाध्याय चंद्रशेखर सिंह हरिचंदन महापात्रा और पठानी सामंता। उनको डेडिकेट करते हुए उड़ीसा के स्टेट गवर्नमेंट ने उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में एक प्लानिटोरियम बनाया है और उस प्लानिटोरियम का नाम है पठानी सामंता प्लानिटोरियम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी हम पठानतम प्लानिटोरियम में पहुंच गए हैं और यह प्लानिटोरियम का एंट्रेंस गेट। दोस्तों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं प्लानिटोरियम के मीनिंग के बारे में आपको बोलना चाहता हूं। प्लानिटोरियम इज ए थिएटर दैट प्रेजेंट्स एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट शोज ऑन स्काई, गैलेक्सी एंड एस्ट्रोनॉमी। तो अब हम चलते हैं इस प्लानिटोरियम के अंदर, देखते हैं इस प्लांटर के अंदर क्या क्या है। दोस्तों, ये प्लांटोरियम के मेरे लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑफिस है, ये है द बुक पार्ट। यहाँ आपको एस्ट्रोनॉमी के बारे में जो भी बुक है यहाँ आपको परचेस करना पड़ेगा। फिर ये जो है ये थिएटर है। दोस्तों, यह है टिकट काउंटर, यहाँ से आप टिकट परचेज कर सकते हैं। इसके बाद यह है थिएटर का एंट्री पॉइंट, आप यहाँ से थिएटर के अंदर जाके शोज देख सकते हैं। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, एक छोटा सा रॉकेट का मॉडल है, इसमें लिखा है BSLV, मतलब BSSTU सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और दोस्तों, अगर इस थिएटर का ऑपोजिट भी आप देखें तो आपको मिलेगा यहाँ सामंत चंद्रशेखर का स्टैचू। इनके बारे में डिटेल्स में मैं आपको बाद में बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में यह प्लानिटोरियम का टिकट है, अभी ये शो शुरू होने वाला है, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, यह है प्लानिटोरियम का अंदर का वीडियो, जैसे लोग देख रहे हैं, ये प्लानिटोरियम का डोम। शो खत्म हो गया है, अभी हम चलते हैं बाहर। दोस्तों, ये जो प्लानिटोरियम है ये टोटल 5 एकड़ जगह में स्प्रेड किया है। फ्रेंड्स, स्टैचू आप देख रहे हैं, ये सम्राट हर्षवर्धन का स्टैचू है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि पत्थर में खुदाई करके लिखा गया है, एक्चुअली ये पत्थर में खुदाई नहीं किया गया है, ये सीमेंट के ऊपर लिखा गया है। ये जस्ट एक रेप्लिका है, जो ओरिजिनल है वो धौलीगिरी में मौजूद है। ये केव जैसा कुछ बनाने की कोशिश किया था। फ्रेंड्स, ये है एक सिद्धा महावीर का स्टैचू जो कि पठानी सामंता प्लानिटोरियम के अंदर है। फ्रेंड्स, जो स्टैचू आप देख रहे हैं ये भी सम्राट हर्षवर्धन का स्टैचू है।
फ्रेंड पोठानी साउंद प्लानिटेरियम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पोठानी साउंद प्लानिटेरियम इज वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस इन द कंट्री दैट कंडक्ट शोज ऑन एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स स्पेस साइंस प्रोग्राम्स टू जनरेट अवेयरनेस एमंग पीपल एंड स्टूडेंट्स कम्युनिटी ऑन फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार्स प्लैनेट्स एंड गैलेक्सी। दोस्तों एस्ट्रोनॉमी इज द साइंस दैट स्टडी ऑफ सन मून स्टार्स, इसे हिंदी में हम खगोल विज्ञान भी कहते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लैनेट सन स्टार्स मून एक्सेट्रा। एंड स्पेस साइंस इज द साइंस दैट इन्वॉल्व्स इन द स्पेस ट्रैवल एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। फ्रेंड्स ये जो प्लानिटेरियम है इसे 8 जनवरी 1990 में बनाया गया था और इस प्लानिटेरियम का कैपेसिटी 178 सीट्स और ये हफ्ते में 6 दिन खुला रहता है और यहाँ डेली 4 शोज होते हैं, 2 बजे से लेकर 6 बजे तक शोज होते हैं। फ्रेंड्स अब हम चलते हैं पठान सामंत जी के स्टैचू के पास जहाँ मैं आपके साथ बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों यह सामान चंद्रशेखर जी के मूर्ति, चलिए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ सामान चंद्रशेखर जी का मूर्ति है और उनके नीचे इनका नाम लिखा है महामहापाध्याय चंद्रशेखर सिंह हरिचंदन महापात्र सामंत। ईयर ऑफ बर्थ है 1835 और ईयर ऑफ डेथ है 1904। एक्चुअली उनका असली नाम है सामान चंद्रशेखर। तो चलिए जानते हैं उनके बायोग्राफी के बारे में। सामंत चंद्रशेखर के पिता का नाम था श्यामबंधु और माता का नाम था विष्णुमाली। वो पुत्र लाभ करने के लिए शिव जी के पास यहाँ मंदिर में प्रेयर कर रहे थे, इसके बाद उनको एक पुत्र का प्राप्ति हुआ और उनका नाम था चंद्रशेखर। बेटे का ग्रह दोष काटने के लिए उनको सबसे पहले एक मुस्लिम फकीर को बेच दिया गया था, उसके बाद उनका नाम हो गया पठानी और उसके बाद सब उनको पठानी सामंत बुलाने लगे। जब वो बड़े हो रहे थे तब उनको पिताजी उनको ज्योतिषी विद्या के बारे में पहले एजुकेट किया था। ये देखिए उनके पिताजी उनको ग्रह नक्षत्र के गणना के बारे में बता रहे थे। जब वो थोड़े से बड़े हो गए तो वो खुद अपने लिए लकड़ी से एक इक्विपमेंट बना के ज्योतिष गणना चालू कर दिया। उसके बाद वो कटक के रेवेंशा यूनिवर्सिटी में एडमिशन किए थे, उस वक्त उसका नाम था रेवेंशा कॉलेज। जब वो ज़्यादा रिनाउंड हो गए तब उड़ीसा के गजपति महाराज ने उनको हरिचंद्र महापात्र का उपाधि दिया था। जब उसके बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा एमिनेंट और रिनाउंड हो गए तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको महामहापाध्याय उपाधि से सम्मानित किया था। ये देखिए इस बोर्ड में पठानी सामंत के अचीवमेंट के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। दोस्तों साल 1608 में नीदरलैंड के स्पेक्टेकल मेकर्स हांस लेपरसी, जैक्रियास और जैकब ने मिलकर टेलीस्कोप को बनाया था। फिर इसके बाद 1609 में गैलीनो ने स्प्लाई ग्लासेस को पॉलिश करके अपना खुद का टेलीस्कोप बनाया था और वो मून और जुपिटर को स्टडी किए थे। लेकिन सामंत चंद्रशेखर जो कि 1908 तक जिंदा थे वो हमेशा ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करते थे, वो कभी टेलीस्कोप के बारे में सोचा ही नहीं था। दोस्तों जब यूरोपियन और अमेरिकन साइंटिस्ट टेलीस्कोप का यूज़ करते थे तब पठानी सामंत अपने हाथों से तैयार किए गए कुछ लकड़ी का इस्तेमाल करते हुए सूर्य आदि ग्रहों का गणना करते थे। सामंत चंद्रशेखर ने अपने सारे गणनाओं को अपने हाथों से लिखे सिद्धांत दर्पण में मेंशन किया है। उससे पहले इंडिया के सारे ज्योतिषी सूर्य सिद्धांत और सिद्धांत शिरोमणि को फॉलो करते थे, मगर सामंत चंद्रशेखर ने सूर्य सिद्धांत और सिद्धांत शिरोमणि को करेक्ट किया था। सामंत चंद्रशेखर अपने देह त्याग करने से पहले पुरी गए थे और पुरी के मुक्ति मंडप में दूसरे पंडितों के साथ ज्योतिषी शास्त्र के बारे में डिस्कशन कर रहे थे।
वो अपने लास्ट टाइम में अपने बेटे के लैप में हिसार रख के देह तय किए थे। फ्रेंड्स, सामंत चंद्रशेखर के बारे में ये कहा जाता है कि ये हिंदुस्तान का अकेले एस्ट्रोनॉमर थे जो कि निकेडाई एस्ट्रोनॉमर थे, यानी कि वो अपने पूरे ज़िंदगी में कभी भी कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं किया था। दोस्तों, ये है कुछ इंस्ट्रूमेंट जो कि सामंत चंद्रशेखर ने अपने हाथों से बनाया था। इस इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हुए वो सूर्य, चंद्र, तारा आदि का गणना करते थे। ये सारे इंस्ट्रूमेंट का कुछ मॉडल्स यहाँ पर मौजूद है, चलिए मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये है एक सॉन्ग डायल, देखिए यहाँ बोर्ड में लिखा है वर्टिकल सॉन्ग डायल। यहाँ उड़िया में और इंग्लिश में भी लिखा गया है ताकि समझने में कोई मुश्किल ना है। इसका कुछ कैलकुलेशन भी यहाँ लिखा है, IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इक्वल टू सॉन्ग डायल प्लस माइनस करेक्शन टाइम, और ये है वो सॉन्ग डायल। इसके बाद चलते हैं दूसरे इंस्ट्रूमेंट की ओर। ये है इक्वेटोरियल सॉन्ग डायल, ये देखिए इक्विटोरियल सन डायल, यहाँ भी सेम कैलकुलेशन है, IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इक्वल टू सन डायल प्लस माइनस करेक्शन टाइम। ये इंस्ट्रूमेंट को सामंत चंद्रशेखर यूज करते थे। और दोस्तों, यहाँ और एक डायल था, अनफॉर्चुनेटली कुछ वाइल्ड एनिमल्स कहें या फिर दो पैरों वाला जानवर कहें, इसे तोड़ दिया है। देखिए, ये देखिए यहाँ बोर्ड लिखा है, ये भी हॉरिजॉन्टल सन डायल था। कुछ जानवर यहाँ अपने प्लानिटोरियम घूमने के लिए यहाँ तोड़ फोड़ करके जाते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड भी है, पता नहीं कैसे ड्यूटी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए एक बार इस प्लानिटोरियम के चारों तरफ घूम के देखते हैं। यहाँ पे कुछ मॉडल है, ये मार्स का एक मॉडल है और ये दोनों मार्स का सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स। ये है हमारा अर्थ का मॉडल। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये है सन का मॉडल यानी कि सूर्य का मॉडल है। सूर्य का इंटीरियर ऐसा होता है, तीन कोर में होता है, वन टू और थ्री। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। गेट के नीचे एक स्टैचू है, ये देखिए एक रॉकेट का मॉडल है। फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट माई वीडियो, आई थिंक आई हैव शेयर सम इन्फॉर्मेशन विथ यू एंड आई एक्सपेक्ट आई विल शेयर मोर इन्फॉर्मेशन विथ यू इन फ्यूचर। दोस्तों, मुझे लगता है कि मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया हूँ और इन फ्यूचर मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, ये मेरा कोशिश रहेगा। एंड इट्स ऑल अबाउट माई वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स ऑल, थैंक यू।